कि बेहतर से और बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के वैद्युत धारा चैप्टर के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु। कल हमने देखा था किरचाफ का नियम, और किरचाफ का नियम ही इस पर लागू होता है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि व्हीट स्टोन सेतु है क्या। तो इंग्लैंड के एक प्रोफेसर व्हीट स्टोन, उन्होंने एक सेल, एक धारा मापी और चार प्रतिरोधों को जोड़ करके एक परिपथ तैयार किया, उसी का नाम रखा व्हीट स्टोन सेतु। और इस परिपथ का काम यह होता है बच्चों कि इसके द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक जैसे आपको यह फिगर में दिख रहा होगा, इसमें क्या है बच्चों, एक दो तीन चार, चार प्रतिरोध हैं, साथ में एक सेल है और एक धारा मापी। इन तीनों को ही जोड़ करके एक परिपथ तैयार किया जाता है, जिसमें से क्या है, तीन प्रतिरोधों के तो मान पता होते हैं और एक प्रतिरोध अज्ञात होता है। उसी का मान ज्ञात करने के लिए प्रोफेसर व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने एक मतलब परिपथ जो ये तैयार किया, उसी का नाम रख दिया व्हीट स्टोन सेतु। अब व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण कैसे होता है, इसमें सूत्र क्या होता है, इसका प्रयोग कहां होता है, सारी चीजों को अपन आज के इस वीडियो में एकदम बढ़िया तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों आप देख लीजिए रचना, स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, इसकी रचना कैसे है। ठीक है ना, लिखने वाली चीजें कुछ जो होती हैं वो थोड़ा हमने लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले रचना में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए अगर बच्चों, फिगर में आप यहां फिगर में भी आप साइड में देख सकते हैं कि इसमें लिखे, इसमें चार प्रतिरोधों पी क्यू आर एस को क्या जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी। देखिए इसमें पी क्यू आर एस चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, यानी चार प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। इसको जोड़ करके एक चतुर्भुज ए बी सी डी, यहां से देख लीजिए ए बी सी डी, एक चतुर्भुज बना देते हैं। आगे लिखेंगे बच्चों कि बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को, देखिए ये ए है इधर सी है, तो ए व सी के बीच बच्चों एक सेल, यहां पे एक सेल है ई। ठीक, ई को क्या करते हैं, एक कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे कि बिंदु बी व डी के बीच, बी व डी के बीच एक धारा मापी जी, एक धारा मापी यानी जो गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, ये धारा मापी जी को क्या करते हैं, एक कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। बात समझ में आएगी बच्चों, इतना आपको रचना के अंदर लिखना है। ठीक है ना, फिर से समझ लीजिए क्या लिखना है बच्चों। देखिए इसको रटने वाली चीजें नहीं, समझने वाली चीजें हैं कि इसमें क्या करते हैं, चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को जोड़ करके एक चतुर्भुज ए बी सी डी बना देते हैं, और ए व सी के बीच एक सेल को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं, और बिंदु बी व डी के बीच एक गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी को K2 द्वारा यानी कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। ये तो रहा इसकी मतलब इसकी रचना कैसे करते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, सिद्धांत में, सिद्धांत में क्या लिखते हैं कि जब इसको जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने के बाद बच्चों इसमें सिल द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है। जब सिल द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो यह धारा यहां पर आई है और यह धारा बिंदु ए पर दो भागों में बट जाती है। आपको किरचाफ का जब नियम बताए थे उसमें पता है कि किसी संधि पर जो धारा होती है वो बट जाती है। तो यहां से धारा इस सिरे में I1 बहने लगती है, इधर
I2, यानी ये बिंदु A पर दो भागों में बढ़ जाती है और पुनः बिंदु C पर फिर से धारा मिल जाती है। और उसके बाद इस प्रतिरोध को मतलब ऐसा सेट करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित करने पर अगर G के मान में यानी G में कोई भी विक्षेप ना हुआ, और ये जो गैल्वेनोमीटर है जैसे आपने देखा होगा धारा मापी, इसमें इस तरह से एक इंडिकेटर लगा होता है जो इंडिकेट करता है, ठीक है ना, या तो भैया ये इधर होगा ऐसे रहता है बच्चों, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक। तो वही चीज कह रहा है कि इसमें सिद्धांत में क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा, कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी इसमें कोई विक्षेप ना हो, सुई एकदम सीधी खड़ी रहे, कोई विक्षेप ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में रसगुल्लों ये माना जाता है कि जो ये परिपथ है वो क्या है, संतुलन की अवस्था में है, माना जाता है कि ये परिपथ क्या है, पूरी तरह संतुलित है, ठीक, उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। और इस दौरान जो आपका फार्मूला होता है वो P अपान Q बराबर R अपान S, यही क्या होता है निकलकर सामने आता है, और यही आज हमें क्या करना है भैया, यही हमें आज प्रूव करना है, ठीक। तो यहां से अब हम लिखेंगे सूत्र के लिए, ठीक, कि इसके सूत्र का विस्थापन कैसे होगा, ठीक, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब इसके सूत्र का विस्थापन हम करेंगे कि P अपान क्यू बराबर R अपान S, ये आया कहां से, देखिए इसमें आप अगर देखेंगे बच्चों तो आपको दो बंद पास दिखाई पड़ रहा है, एक ये है एक ये है, ठीक, ध्यान से समझिएगा, एक तो इस तरह से इधर वाला बंद पास है भैया और एक इधर वाला बंद पास दिखाई पड़ रहा है बच्चों, तो इसमें लगाएंगे किरचाफ का दूसरा नियम, क्योंकि किरचाफ का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि किसी, ठीक, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, बंद पास है इसके विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और इसमें लगे प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय जो योग होता है वो इसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज बच्चों आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा, तो यहां से लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि किरचाफ के द्वितीय नियम से, किरचाफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, अब किरचाफ का दूसरा नियम लगाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पास, देखिए ए बी डी ए में, ठीक, ए बी डी ए में, इसमें ध्यान से समझिएगा ए बी डी ए, इसमें जब देखेंगे बच्चों किरचाफ का नियम लगाएंगे तो धारा, ध्यान से समझिएगा, धारा क्या हो जाएगा I1, ठीक, I1 गुणे R, इसमें क्या है इसके साथ P लगा है, फिर माइनस लिखेंगे क्योंकि धारा की दिशा ऐसे होने के बाद, देखिए यहां तक तो धारा की दिशा सही है लेकिन इसको धारा अगर ऐसे जाती तो हम प्लस लगाते, कल ही बताए थे, लेकिन ये धारा की दिशा इधर है इसलिए ये माइनस हुआ, और इधर धारा क्या बह रही है I2, और गुणे का इसमें प्रतिरोध क्या लगा है बच्चों R लगा है, बराबर विद्युत वाहक बल इसमें क्या है कुछ भी नहीं है तो हो गया जीरो, ठीक। तो इसको थोड़ा सही से लिख सकते हैं आई वन, I1 इसको लिख सकते हैं P बराबर माइनस, उधर इसको जब उधर भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर का चिन्ह लग गया और यहां से I2 क्या हो गया बच्चों R हो गया, इक्वेशन नंबर वन, इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हम लिखेंगे कि इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं A B D A में, ठीक, ये रहा। इसी तरह अब दूसरे वाले बंद पास यानी बी सी डी बी में, ठीक, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चा यहां से बी सी डी बी में, इसमें जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसमें भी वही चीज, अब की बार इसकी बात हो रहा है तो इसमें आई वन, ठीक, आई वन है, प्रतिरोध क्या है बच्चों क्यों है, इसमें भी माइनस लगेगा क्योंकि धारा की दिशा इधर तो सेम है लेकिन यहां से देखिए धारा की दिशा इधर की ओर जा रही है जबकि इधर आना चाहिए था, तब यहां पे माइनस ही होगा, ठीक। तो इधर धारा क्या है I2 है और उसके बाद इसका संगत प्रतिरोध क्या है S है बराबर जीरो, इसमें भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, ठीक। अब यहां से इसको हम लिखेंगे क्या I1 क्यों लिख सकते हैं बराबर I2 S लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर
दो हो गया। अब लिखेंगे कि समीकरण, ठीक, समीकरण एक भागे दो, एक व दो का भाग लगाना है आपको, ठीक है ना। जब भाग लगाएंगे ध्यान से देखिएगा, इधर है समीकरण एक यानी I1P, ठीक, बराबर क्या है I2R है, और ये हमने बताया ना इसका भाग लगाना है, तो इधर वाला इधर ही रहेगा, इधर हो जाएगा I1Q और ये क्या है I2S है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, I1 कटा, I2 से I2 कटा, तो ये आपका निकल कर आएगा बच्चों P/Q बराबर R/S, यही क्या हो जाता है व्हीट स्टोन सेतु के लिए प्रतिरोधों का जो क्या है कॉम्बिनेशन होता है उसका सूत्र। इसमें क्या होता है कि दो संलग्न भुजाओं, ये दो संलग्न भुजाओं का के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यही क्या हो जाता है व्हीट स्टोन सेतु के लिए प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों, सिंपल लैंग्वेज में समझना है। हमने क्या बताया है कि इसमें चार प्रतिरोध को आप मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज बना देते हैं, उसके बाद क्या है ये लिखा हुआ है कि ए व सी के बीच एक सेल K1 के द्वारा जोड़ देते हैं और एक बी व डी के बीच एक गैल्वेनोमीटर K2 के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा रचना में, सिद्धांत में लिखेंगे कि प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित कर देते हैं, यानी ऐसा सेट करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, यानी जब कुंजी K1 को दबा करके सेल के द्वारा इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारा दो भागों में यहां से बट जा रही है, ठीक, और जब धारा बट जाती है यानी ये धारा यहां से बटने के बाद फिर धारा सामूहिक रूप से मिल जाती है, तो इस दौरान परिपथ में धारा प्रवाहित करने में यदि धारा मापी के, ठीक, यानी धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो, कोई परिवर्तन ही देखने न को ना मिले, मतलब सुई एकदम सीधी खड़ी हो, बस सीधी सी बात है, तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं, और तब यानी मान लिया जाता है कि व्हीट स्टोन जो सेतु है वो क्या है संतुलित है, और ऐसी दशा में हम आर का मान यानी एक सॉरी जो प्रतिरोध है उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये संतुलन की अवस्था है और यही चीज सूत्र हमें क्या करना था प्रूव करना था, और किरचॉफ का नियम लगाकर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको देख लिया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते किसी और समझदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हां इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।